हिंदुस्तानी शायर हैं, वक्त से नहीं डरते। जिंदगी तू क्या डरा रही है, हम मौत से नहीं डरते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक गोडली है, जयपुर से हूँ। और एक शायरी लिखी है कि ब्रेकअप हो जाता है तो फिर दोस्त चिढ़ाते हैं ना कि भाई तेरे को याद आ रही है क्या। तो किया है क्या सभी के साथ ऐसा किसी ने, दोस्तों ने किया है? तो शेर है कि बिस्तरों से उसकी महक आज भी आती है, बिस्तरों से उसकी महक आज भी आती है, जो लड़की रोज रात को मेरे ख्वाबों में आती है। बिस्तरों से उसकी महक आज भी आती है, जो लड़की रोज रात को मेरे ख्वाबों में आती है। उसने तो शायद भुला दिया होगा हमको, लेकिन उसने तो शायद भुला दिया होगा हमको, लेकिन दोस्त पूछते हैं भाई भाभी की याद आती है। एक लिखी है लाइन है कि ब्रेकअप हो गया अब उम्मीद नहीं है, तो लिखी उसके ऊपर कि लौट कर नहीं आऊंगा मैं कभी तेरे पास, लौट कर नहीं आऊंगा मैं कभी तेरे पास, आएगी तो खबर मेरी मौत की तेरे पास। कैसे भुला पाएगा भला तू मुझे, कैसे भुला पाएगा भला तू मुझे, कुछ तो यादें होंगी मेरे तेरे पास। मोहब्बत तुझे खेल लगती है तो ये बता, मोहब्बत तुझे खेल लगती है तो ये बता, और कितने शख्स है मेरे जैसे तेरे पास। तुम्हारी दीव ही अंगूठी आज भी संभाल के रखी है, तुम्हारी दीव ही अंगूठी आज भी संभाल के रखी है, क्या मेरे लिखे हुए खत मौजूद है तेरे पास। लौट कर नहीं आऊंगा मैं कभी तेरे पास, आएगी तो खबर मेरी मौत की तेरे पास। कुछ लाइनें हैं कि जब जब शायरी करूंगा उसमें तेरा जिक्र करूंगा, जब जब शायरी करूंगा उसमें तेरा जिक्र करूंगा, तुझे भूल ना पाऊं कभी इसलिए ये गुनाह करूंगा। तेरी बातों को याद करूंगा, तेरे सपनों में खोया रहूंगा, चाहे लोग कहे मुझे पागल मैं तुझी से मोहब्बत करूंगा। तेरे वादों को दोहराया करूंगा, तेरी तस्वीर से बातें करूंगा, कभी देगा अगर मौका मुझे तो खुद को जरूर साबित करूंगा। शादी करके जाओगी एक रोज, शादी करके जाओगी एक रोज, दिल में सिर्फ तुझे ही रखूंगा, कोई पूछेगा तो बता दूंगा खुद को तेरा आशिक कहूंगा। जब जब शायरी करूंगा उसमें तेरा जिक्र करूंगा, फूलों की उम्र नहीं होती पत्रों की तरह, फूलों की उम्र नहीं होती पत्रों की तरह, लोग अक्सर भूल जाते हैं ख्वाबों की तरह। फूलों की उम्र नहीं होती पत्रों की तरह, लोग अक्सर भूल जाते हैं ख्वाबों की तरह, वो मेरे साथ इस सफर में चले जरूरी नहीं, वो मेरे साथ इस सफर में चले जरूरी नहीं, यहाँ कौन साथ निभाता है सांसों की तरह। एक गांव पर लिखी है कि शेर है कि नजर सितारों पर पांव जमीन पर रखते हैं, नजर सितारों पर पांव जमीन पर रखते हैं, मैडम हम गांव से हैं मेहनत पर यकीन रखते हैं। एक लिखी है कि ब्रेकअप हो गया किसी का, वो शायरी फायरी करने लग गया, सभी ब्रेकअप हो गए हुए शायर है तो तभी शायरी निकल रही है। तो उनके लिए लिखा है कि अब किस लिए कोसूं उसको मैं, इतना अमीर जो बना गई है मुझको वो, अब किस लिए कोसूं उसको मैं, इतना अमीर जो बना गई है मुझको वो, बिछड़ते वक्त बेरोजगार था जो लड़का, बिछड़ते वक्त बेरोजगार था जो लड़का, अब उसको शायर बना गई है वो। एक लास्ट शायरी है कि बेसिकली वो जब लिखी है कि अपन बहुत दिनों बाद लिखते हैं तो कोई बोलता ना यार क्या हो गया आजकल लिखता नहीं है, आजकल सुनाता नहीं है कुछ, तो दर्द लिखते हैं तो लोग तन्हा समझते हैं, इश्क लिखते हैं तो लोग आशिक समझते हैं, दर्द लिखते हैं तो लोग तन्हा समझते हैं, इश्क लिखते हैं तो लोग आशिक समझते हैं, बड़ा ही अजीब किरदार है तेरा जिंदगी, बड़ा ही अजीब किरदार है तेरा जिंदगी,
कुछ दिन ना लिखो तो लोग हवा का झोंका समझते हैं। शुक्रिया।